राजस्थान के कामा विधानसभा चुनाव को लेकर के लगातार हम लोग की राय जानने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल हम लोग पहुंचे हैं कामा विधानसभा के गांव लाड़लाका में, और लाड़लाका गांव की जनता अब की बार किसको मतदान करने वाली है, पिछला जो कार्यकाल रहा है उसमें कितना विकास लाड़लाका गांव में हुआ है वो जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लगातार गांव गांव जाकर के हम गांव की स्थिति, गांव के विकास कार्य और लोगों की राय जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार अब की बार कामा विधानसभा की जनता क्या कुछ चाहती है। जी बाबा, क्या नाम है? फजरू। कौन सा गांव है? यही गांव लाड़लाका। लाड़लाका। अच्छा, ये बताए कि पिछले 5 साल के कार्यकाल में अच्छा क्या क्या काम हुए गांव में? खूब काम है, सड़क निकले, खूब नहर होगी और खूब करवान दबाए बेचारे ने। अच्छा काम करवाया है। अच्छा काम करवाया। तो किसको वोट जा रहा है आपकी बार? वाइक वोट देंगे दोबारा से। दोबारा से चलिए जी। जय राखी जी। बाबा क्या नाम है? पहलू। पहलू। अच्छा ये बताइए कि अब की बार किसको वोट दे रहा है? जायदा को देंगे जी। जायदा को? क्यों? सिराजी है बस, जो काम करवाती है बढ़िया है जायदा हमारे नजर में। तो जायदा के बारे में तो मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, आप बोल रहे बहुत बढ़िया है। रहूंगा जी। 84 फुट रोड हो, अब थोड़ा निकलवा मकान टूटना हमारे सुविधा करी ने, और को तो 84 फुट तो हमारा नुकसान हो तो मतलब मकानों को बचा दिया। बचा दिया। अच्छा और क्या काम हुआ है गांव में? काम पक्की नहर करवा दी सब। हाँ। पानी चलवा रहा देवे पंचायत। अच्छा। जब जरूरत पड़े और काम कमा के देगी। हाँ। और रोटी पकाएगी बेचारी, खूब काम कर रही। बड़े बड़े काम हो रहे हैं। बिल्कुल बढ़िया। अब ये बताओ कितनी वोटों से जीत रही है आपकी बार? अभी ये तो अब अपन अंदाजा पर ही है, 2-4 हजार ऊपर ही जीतेगी। अब के जनता बोली जमानत जब्त होगी अभी बार? ऐसा नहीं है। ना ना ना, 2-4 हजार ऊपर जाएंगे। और ऊपर जाएंगी जी। क्या नाम है? आशु पहलवान है जी। अच्छा आशु पहलवान, ये बताएं कि इतना भारी विरोध कामा विधानसभा की जनता कर रही है और आप लोगों का मानना ये है कि एक बार फिर से एक जायदा खान विधायक बनने वाली है, तो क्या वजह है? ये वजह ये है जी, ये खाली ये बीजेपी के दलाल है। सही बात ये, बीजेपी के दलाल है, बीजेपी वालों ने कर रखे खड़े। हाँ। अब भाई तू 10 वोट बिगाड़, 20 वोट बिगाड़, इसलिए विरोध कर रहे हैं। इनको कोई लेना देना नहीं, नहीं इलेक्शन लाख है इनकी हैसियत। हाँ। इनकी हैसियत इलेक्शन लाख नहीं है, जो डोल रहे छिचोरे। हाँ। ये कुछ भी नहीं कर सकते, खाली जायदा खान ही जीतेगी यहाँ से। हाँ। उसी के वो 36 बिरादरी को साथ लेके चलती है। जायदा के बारे में कहते हैं कि भाई कोई काम नहीं कराती है, उसके खिलाफ कोई बोलता है तो मुकदमा दर्ज करा देती है, तो तानाशाही वाली राजनीति चल रही है। तो ये भी गलत है जो बता रहे मुकदमा दर्ज, आज तक किसी के साथ उसने मुकदमा नहीं दर्ज कराया। हाँ। किसी का बुरा नहीं किया। हाँ। ये भी गलत करते हैं, कह रहे हैं ये लोग खाली वो शाम को तो दिन में तो करते हैं सपोर्ट। हाँ। कांग्रेस की हम फलाने, और शाम को साथ बीजेपी वाले ढाबों के साथ बतलाते हैं रात में। हाँ। इनका काम ये है मिलकर बीजेपी वालों से विरोध कर रहे हैं, खामखा कुछ नहीं है, ये बकवास करते हैं। इनके पब्लिक बिल्कुल मुंह ना लगे, पब्लिक मुंह लगेगी तो इनके नुकसान उठेगा अपना। तो फिर ये बताओ कि यानी कि इतनी सारी जो जनता जो बोल रही है रास्ते हमारे गंदे हैं, कीचड़ भरी हुई है, तो वो भी झूठे? हाँ झूठे, कहाँ रास्ते भाई। हाँ। गांव के अगर एक रास्ता रहेगा कोई गांव में किसी में रह भी गया। हाँ। तो उसमें क्या 100% का 100% तो काम नहीं होता, 2-3 साल तो उसी में चली, लॉकडाउन में खत्म हो गया। हाँ। और फिर भी इतने तीन साल में इतना काम कराया, 25-50 साल नहीं हुए इतना काम। जायदा मंत्री नहर है, सीसी रोड है, वहां आगरा से वहां मथुरा से वहां तक कितने रोड दिया, कितने करोड़ काम दिया, कितनी कॉलेज बनी है, बारहवीं कितनी मेडिन स्कूल बनी है, बारहवीं करा दी सारी स्कूल, जो 8वीं की ही 10वीं की सारी 12वीं करा दी, और का ठीक से बहुत काम किया कर दी वो। चलिए ये हमारे साथ हैं आशु पहलवान जी। अच्छा आप ये बताएं कि लगातार नारे लग रहे हैं कि कामा को बचाना है, जायदा को हटाना है, अच्छा क्या लग रहा है कि अगली बार हटेंगी कि बचेंगी? मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ हमारे गांव में आप आए जी। मेरा नाम दीनू है, उप प्रधान पहाड़ी से हूँ जी। ये सारे जो ये बगावत कर रहे हैं, जो भी लोग खड़े हैं, सही हाँ। बात तो ये कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं है हाँ। जो 5 से वोट ले सके। हाँ। और रही विकास की बात, 75 करोड़ के रोडों के काम कामा में हुई। अच्छा 75 करोड़ के कहाँ काम हुए? काम बात सुनो, कामा और पहाड़ी और गोपालगढ़ के जो भी जितना भी कामा क्षेत्र का एरिया गांव में हुए कि मुख्य रास्ते पर? मुख्य रास्ते। अच्छा। और दूसरा गांव में जितने सीसी बने हैं। हाँ। अब की बार। हाँ। पिछली बार नहीं बने। हाँ। और दूसरा। हाँ। कितनी कॉलेज इंग्लिश मीडियम हुई है। हाँ। एक कॉलेज यहाँ जो है कंचन नेर में पहाड़ी में, एक नणदेरा, दो कॉलेज दिए, हॉस्पिटल दी है, और हर गांव में 12वीं तक का स्कूल किया, जो
दसवीं के थे वो बारहवीं में कन्वर्ट किए, जो आठवीं के वो दसवें की। अध्यापक तो है नहीं, अध्यापक मेरी बात सुनो, अध्यापक ये तो जो है अध्यापक इस महीना में भी पूर्ति हो जाएगी, नई भर्ती हुई है तो पहले क्यों नहीं पूर्ति? ऐसा पहले भी पूर्ति थी लेकिन लोग सही बात तो मेवात से लोग भाग जाते हैं, बाहर से जो आते हैं वो ट्रांसफर करवा के भागने की कोशिश करते हैं। और अब महीना में इसमें जो अध्यापक भी आएंगे और ये जितना भी कामा क्षेत्र पहाड़ी का कामा का है सारी पक्की नहर, इसको पंजाब बना दिया। आज हमारे नहरों में एक मिनट भी पानी नहीं सूखता, और क्या पूरा पानी मिल रहा है, पूरा पानी मिल रहा। अभी थोड़ा कहीं जो अब बड़ा हतीन माइनर है इसमें कोई काम चल रहा है, 10-20 दिन से पानी रुका हुआ है, उसी पूरी साल पानी आ रहा। तो हम लोग गांव-गांव जाते हैं, बहुत सारे गंदे रास्ते हैं, पानी भरा हुआ है। मेरी बात सुनो आप, हमें ज्यादा शिक्षा की जरूरत है, रोडों की जरूरत है। अगर गांव में एक रास्ता रह जाता है और हम शिक्षा की तरफ बढ़ रहे हैं तो एक साल हम अगर वो रुक के भी बनेगा तो कोई मुश्किल नहीं है। हमारे बच्चे शिक्षित होंगे तो हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे। और रही जाहिदा खान की बात, इतना विकास आज तक किसी ने भी नहीं किया, जाहिदा खान ने किया, अब की बार जितना किया, पिछली बार मैं कह रहा हूँ पिछली बार नहीं हुआ था इतना जितना अब की बार विकास हुआ। और इंशाल्लाह मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो भागे घूम रहे हैं ना, ये सिर्फ इनका 10-20, 10-20, 50 वोट बिगाड़ने का मकसद है। 80,000 से जाहिदा खान जीतेगी, कहाँ दिमाग लोगों की खोपड़ी खराब हो रही है। 80 पार, 80 पार बोला टिकट नहीं बचेगा। अरे टिकट का, टिकट तो क्लियर है उसका, टिकट तो कोई रोक, पहली लिस्ट में नाम उसका है। अच्छा, जाहिदा खान का कोई रोकने वाला नहीं है। 40,000 से जो कैंडिडेट जीती है उसका टिकट कट सकता है, पब्लिक की बॉडी पत्ता साफ होगा, कुछ नहीं है। ये तो लोग 2-4 गाँव में होते हैं, पिछली बार भी हुए थे, पिछली अभी तो 4 महीना इलेक्शन का बाकी है। अच्छा, तो बहुत कुछ बदलेगा, सब कुछ ही बदल जाएगा। अच्छा, मैं बता रहा हूँ आपको, या बीजेपी वर्सेज कांग्रेस होगी। अच्छा, और ये तो बैठे रह जाएंगे बेचारे। चलिए चलिए, कहीं ना कहीं ये लाडला का गांव की जनता है जो बता रही है, क्योंकि कामा की जनता विरोध कर रही है और बोल रही है काम नहीं करवाया, लेकिन दीना साहब ने तो अचकामों की झड़ी लगा दी है। क्या लग रहा है, काम हुए कि नहीं हुए? सच बताना बिल्कुल। बढ़िया काम हुए, अच्छे काम हुए, इसलिए तो नहीं कह रहे हैं कि आंसू भी बोल रहा है, दीना भी बोल रहा है, मैं भी बोल दूं। ना ना ना, हमारे ही सब अच्छे काम हुए। हमारे का हमारी पंचायत में देख लो कि किसी भी गांव में अच्छे रोड नहीं है। अच्छा, सब पक्के हैं। तो फिर विरोध क्यों? अब विरोध तो करते हैं, विपक्ष करता है जी। तो ये सारे विपक्षी हैं जी, विपक्षी हैं जो विरोध कर रहे हैं। अच्छा, क्या चाहते हैं? क्या दोबारा आनी चाहिए जायदा? बिल्कुल 100% आनी चाहिए। अच्छा, यहाँ बढ़िया काम किए उसने, सारे जितने भी किए कोई काम कसर नहीं छोड़ी। बोले कि नासिर जुनैद के मामले में इनकी पीछा छुड़ा लिया, कार्रवाई नहीं करवाई। उसमें भी सबसे पहले उधर पहुंची थी। हाँ। और उनको जो कुछ दिवाना था वो दिवाया भी था। हाँ। ऐसा नहीं है। हाँ। और जलीस भी गया, सारे अशोक जलीस के बारे में कहते तालियां बजवाई है। अशोक गहलोत तक बुला दिया था भाई उसने, उसी की मेहरबानी थी। यूँ तो अब जो विपक्ष वाले होते हैं वो कुछ कहते ही रहते हैं, लेकिन सही है जाहिदा खान अपनी जगह पर जीतेगी इंशाल्लाह। चलिए जी, कौन जीत रहा है? इंशाल्लाह जाहिदा खान ही जीतेगी, पक्की बात है, पक्की 100%। हाँ जी, जाहिदा ही है, हम तो ये कहते हैं उसको सपोर्ट करो। हाँ। अच्छी तरह। और बाकी ये है कि देखो, गीदड़ों के भौंकने से शेर अपना मैदान नहीं छोड़ता है। हाँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेरी बात सुनिए। हाँ। ये तो है दल्ले। हाँ। अब जो ये तो वो इनको बताते हैं, आप उनको बता रहे हैं, तो उनके भौंकने से क्या है, गीदड़ तो शेर अपना रास्ता थोड़ी छोड़ देगा। इनके कहने से क्या है, इनके पास टिकट है, टिकट तो इसका भी कट रहा है। क्यों, किसने बोला? पब्लिक बोल रही है। पब्लिक के कहने से क्या है, पब्लिक तो उनको सपोर्ट कर रही है। दल्ले होते हैं इनों को, हम तो ये कहें इनों को आशीर्वाद है, इनों को ऐसे बनाए रखें। हम तो ये कहते हैं, हम तो जाहिदा की सपोर्ट है, पूरी अच्छी तरह करेंगे उन्हों को। मतलब ये चाहते हैं कि विरोधी होने चाहिए बीजेपी। बीजेपी उन्होंने देखा नो में, अभी ताजा क्या हुआ था नो में, गरीबों के मकान फूटे हैं वहाँ पे, कुछ भी नहीं है। जो मींस की ये है, देखो अपॉइंटमेंट में तो बीजेपी है ओनली, कांग्रेस और बीजेपी। हाँ, अपोजिशन में अपॉइंटमेंट वही है सेम। और दूसरी बात ये है, देखो आपने एक अच्छा लीडर चुना, अब आप बोल रहे काम नहीं कराया। आप ये देखो हमारे गांव में कहीं चल के देखो कहाँ काम नहीं हुआ है, ये देखो हर जगह हुआ है। ये ओनली डिपेंड रहता है सरपंच, उन्हों को पूरा बजट पास नहीं, उधर से पूरा बजट पास होता है, ये दलाली कर जाते हैं सरपंच लोग। पूरा काम हुआ है, कहीं चल के देखो ऐसा नहीं है, काम नहीं हुआ है पूरी। हम तो ये कहते हैं सपोर्ट करो, अपने को विजय बनाओ जाहिदा। चलिए अब की बार एक बार फिर से जाहिदा खान, जाहिदा खान। चलिए, ये हमारे साथ है कामा विधानसभा के लाडला का गांव की जनता, जो चाहती है कि अगर कोई ये कहता है कि विकास नहीं हुआ तो आए लाडला का गांव में और देखें
कि किस तरीके के जो रास्ते हैं वो पक्के करवाए गए हैं, ये हम नहीं बल्कि लाडला का गांव की सरदारी कह रही है। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके का विरोध इलाके के लोग कर रहे हैं, तो वहीं लाडला का गांव की जनता ये बता रही है कि ये मुट्ठी भर लोग हैं जो लगातार विरोध कर रहे हैं, लेकिन अब की बार 80 पार जायदा खान जाने वाली है। लेकिन देखना देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में क्या जायदा एक बार फिर से विधायक बन पाती है या फिर बाजी कोई और मार जाता है। जी जी बताएं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कामा के विधानसभा के जितने भी क्षेत्र के लोग हैं, हाँ। पिछले 5 साल बीजेपी यहाँ से रही थी, हाँ। पुलिस का यह आलम था, हाँ। हमारी औरत रात के 12-12 2-2 बजे तक थानों में बैठी रही थी, ये कहाँ पागल हो रही है कौम। और जब मैं ये नहीं कर रहा कि मेरी की बात कर रहा हूँ, मैं पूरी बिरादरी की बात कर रहा हूँ, 3600 बिरादरी की, हाँ। हमारी औरतें थानों में पड़ी रहती थी, हाँ। मोटरसाइकिल पे से कॉलर पकड़ के ऐसे खींच लेते थे पुलिस वाले, अच्छा। इनका दिमाग खराब हो रहा है, हाँ। अगर जायदा खान के इस पीरियड में अगर एक भी औरत मेव की, हाँ। या किसी भी जाति की थाने में बैठी हो, हाँ। तो मुझे चैलेंज करके बताओ वो बैठी थी। और ये बीजेपी का आलम था जिसमें औरत हमारी थानों में बैठ जाती थी, रात के 2-2 बजे तक पुलिस पे से छुड़ा के लाते थे। ऐसा क्यों होता था? हाँ, मोटरसाइकिल पीछे बैठ के जा रही है किसी लड़के के और उस पर लाइसेंस नहीं है, हाँ। या कोई आरसी नहीं है, हाँ। तो बिठा लिए रात के 2-2 बजे तक बैठे रहे। ये नहीं कोई चोर थे वो, सिर्फ पैसा कमाना। बीजेपी के राज में मिट्टी में जा रहे, मिट्टी की गाड़ी रोक ली। ये आलम था, कहाँ पागल हो रही है विधानसभा की पब्लिक? ये अपना दिमाग सही करो और अपने कीड़ा को निकालो, पता पड़ जाएगा जिस दिन बुरा वक्त आ गया। आज लोगों का घर नहीं है रहने के लिए, सबके सामने अपने घर बैठ जाएंगे, हमारे पास भी नहीं आएंगे। हमें तो मुकामी लोग चाहिए, अच्छा लीडर चाहिए। और आगे नहीं, ये लाडला का मैं आके बताऊं, ये जो भागे डोल रहे हैं बिगाड़ पब्लिक को, इनका हमने पता है। पहले काम करो ना 5 साल, अच्छा तभी तो खुर्शीद भी भागे छोड़ करके। खुर्शीद आ जाए, खुर्शीद की कोई बात नहीं, खुर्शीद आ जाए, खुर्शीद हमारा आदमी है, कोई बात ना आए, थोड़ी बहुत आपस में हो जाती है। लेकिन जो एक साल 2-2 साल से भागे डोल रहे हैं, इनकी पता लग जाएगा। पहले 5 साल काम करो, पार्टी के लिए काम करो, फिर लड़ो अलग साल। पार्टी के लिए काम करें, क्या काम किया इनने? आज तक आया पब्लिक के बीच में, अचानक कांग्रेस सपोर्ट कर रात को बीजेपी, रात को ये होटलों में जाकर बीजेपी वालों से बतलाते हैं मुझे कितना पैसा मिलेगा खड़ा होने। इनकी सबकी पता हमें, ऐसे कैसे जानकारी मिली? अरे जानकारी हम तो पागल कार्यकर्ता है, हम पार्टी के कार्यकर्ता, हम सब चीज का पता रखते हैं, अच्छा। ऐसे थोड़े घर बैठते हैं के। और सुन मैं बताऊं, रिकॉर्ड तोड़ेगी पूरा राजस्थान का, जाए दिखाना आप नोट कर लेना क्या कहा था उप प्रधान ने, अच्छा। पान से गाड़ी तो मतलब अब चला जाती है, अगर रैली कहीं भी हो, करौली हो, कहीं भी हो, दूर जयपुर हो, पान से गाड़ी फिलहाल में चली जाती है। पता करा था आपने कितनी गाड़ी आती? अनगिनत गाड़ी आती काम आती, कितनी होंगी? काफी, कितनी? कम से कम 400-500 गाड़ी गई है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ और क्या, इलाके के लोग गए, इतने पूरा इलाके के लोग गए। भरतपुर जाते जब भी 50 गाड़ी जाती है इसके साथ साथ में, 400 गाड़ी तो हमने करौली में दी थी पिछले साल। बोलते अधिकारियों की गाड़ी ज्यादा होती है भाई, अधिकारियों की एक भी नहीं जाती, पब्लिक की, आम कार्यकर्ता जनता की गाड़ी जाती। बहुत से बोलते हैं भाई पैसा मांगते हैं, लगता है हम खुद अगर 10 गाड़ी की आपसे बोल दिया तो मैं आप 10 ही गाड़ी लेके जाऊंगा, अच्छा। हम इतना प्रेम है उससे, जायदा खान जी बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, लीडर वही चाहिए हमें, वही चाहिए। ये तो डोल रहे हैं, ये तो भाई ये बहुत से बोलते हैं भाई वो तो पैसा मांगते माड़ा, हाँ। अरे पैसा देते तो हम मोहब्बत जब भी देते हैं, हमारी विधायक है, मंत्री लाडली मंत्री है, नहीं वो बोलते हैं भाई इनकी कोई भी काम करो ना पहले पैसा जमा करो, एक रुपया कोई दाग लगा दिए जगह उसको हम जिम्मेदार लेते हैं। आज तक किसी ने कोई खुशी से हम मदद करते हैं तब मंत्री करते हैं, जाते हैं बाहर जाते हैं किसी से एक रुपया नहीं लेते। ये बोलते हैं मंत्री जाती है भाई, मंत्री जो नहीं देगा उसको सस्पेंड कराओ बाहर। नहीं ये गलत, वैसे अफवाह उठा रहे हैं, कुछ नहीं ऐसा, कुछ नहीं है, नहीं मंत्री खूब खर्च करते हैं लेकिन पब्लिक नहीं करवाती, उससे मोहब्बत ज्यादा है पब्लिक की। चलिए चलिए, ये इलाके की जनता है जो बता रही है कि किस तरीके के काम इलाके में हुए हैं और आने वाले समय में अब की बार एक बार फिर से कामा विधानसभा की जो विधायक की गद्दी होगी उस पर कौन विराजेगा ये वक्त बताएगा। वक्त के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, तब तक के लिए आप बन रही है सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ।